हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कंक्रीट के बाद हम स्टील पर डिस्कस करेंगे कि स्टील में कौन कौन से रिटन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिटन एग्जाम में किसी भी एमएनसी या मिड लेवल कंपनी में। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप कभी किसी कंपनी में जाइए तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जीडी आप जरूर देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। लेकिन कुछ कंपनियों में आपका नॉलेज चेक करते हैं कि आपने कॉलेज में कैसे पढ़ा है या आपको उस विषय से रिलेटेड कितना नॉलेज है। मैंने भी स्टील स्ट्रक्चर को थोड़ी बहुत अध्ययन अच्छे से किया है और तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे आता है वो मैं आप तक शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, अभी तक में जो भी स्टील स्ट्रक्चर के बच्चे इंटरव्यू देने गए हैं और उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया है, मैं वो आपसे सबसे पहले शेयर करूंगा। जैसा कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है बीम टू बीम कनेक्शन। अच्छा, हंजिस लगाते हैं तो हंजिस क्यों लगाते हैं? तो यानी जो बीम टू बीम कनेक्शन होता है उसमें हंजिस लगाते हैं। बीम टू कॉलम कनेक्शन कैसे करते हैं? बेस प्लेट क्यों लगाते हैं? बेस प्लेट की थिकनेस कैसे डिसाइड करते हैं? आपने अगर पढ़ा है स्टील स्ट्रक्चर, इसके दुग्गल सर की बुक है, आप पढ़ लीजिए, उसमें प्लेट का डिजाइन दिया हुआ है। अगर 16 mm का बोल्ट लगाने हैं तो उसे कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो उसको भी पढ़ लीजिए कि हम बोल्ट से कितना स्ट्रेस ले सकते हैं। और इसके अलावा LSM और WSM में डिफरेंस क्या है? एक कंपनी में तो पूछा गया था, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, IS 800 1984 और IS 800 2007 में डिफरेंस क्या है? आपको एक लाइन में उत्तर देना था। IS 800 1984 जो था उसमें WSM से डिजाइन करते थे, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते थे, और IS 800 2007 में लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? 1.15। आपने अगर स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें जरूर देखा होगा। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सेक्शन के बारे में, चैनल सेक्शन कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, टेंशन के लिए, कॉम्प्रेशन के लिए, अच्छा दोनों के लिए। आई सेक्शन कहाँ यूज करते हैं? एक्सियल मेंबर्स के लिए करते हैं। अच्छा ठीक है, एंगल सेक्शन कहाँ पे यूज करते हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कनेक्शन कौन कौन से रखे जाएंगे, यानी वेल्डेड कहाँ करना है, बोल्टेड कहाँ करना है, रिवेटेड कहाँ करना है? अच्छा, सबसे ज्यादा बोल्टेड ही क्यों करते हैं? अच्छा, स्टील स्ट्रक्चर को इतना यूज क्यों करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, तो उसको भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने उस पर डिस्कस किया है कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर राफ्टर लगाएंगे तो राफ्टर की थिकनेस क्या रखेंगे? अच्छा, अगर राफ्टर आपका वीक पड़ रहा है, मीन्स कमजोर पड़ रहा है, तो उसमें कितने का पर्लिन लगाना चाहिए कि उसको सपोर्ट मिल जाए? पर्लिन क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, ब्रेस कॉलम क्या होता है, ब्रेस बीम्स क्या होती है, इनके बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा, स्टील की डेंसिटी क्या होती है, सीमेंट की सीट की थिकनेस कितना लगाओगे, अगर स्टील की सीट लगा रहे हो तो कितना थिकनेस सफिशियंट है कितने लोड के लिए, इसके बारे में। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है बीम को डिजाइन किस तरीके से करोगे, कॉलम को किस तरीके से डिजाइन करोगे, पैनल्स को किस तरीके से लगाओगे, कितना पैनल लगाओगे, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, स्टील स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि अगर स्टील स्ट्रक्चर आपके पास है तो कितना उसको थर्मल एक्सपेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका उसका जो स्टील है उसको बढ़ने लगता है। ठीक है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील इकोनॉमी क्यों है, उसको इकोनॉमी अगर है तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसको दूर दूर तक उसका सेक्शन अगर रखेंगे तो कम पैसे में ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने इंडस्ट्री में देखा होगा सेक्शंस दूर दूर पर रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कम पैसे में कम लागत में एक बड़ा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाता है। हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी आपने अगर देखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग देखना, तो उसमें लगभग 70% बिल्डिंग जो है वो स्टील स्ट्रक्चर की बनी होती है, केवल 30% कंक्रीट की, क्योंकि कंक्रीट हैवी स्ट्रक्चर होता है और स्टील उसके कंपेयर में कम हैवी स्ट्रक्चर होता है। और स्टील की आपको पता है टेंशन और कंप्रेशन दोनों अच्छा है, तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायर रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है और मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है और क्रोजन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, क्रोजन अगर खत्म करना है तो कौन सा पेंट लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अध्ययन करते हो तो आपको स्टील स्ट्रक्चर के जो भी इंटरव्यू होंगे उसमें काफी हेल्प मिल सकता है। दोस्तों और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बट इस वीडियो में इतना ही करूंगा। अगर आपको पार्ट टू इसका भी चाहिए, जैसा कि आपने अगर कंक्रीट के लिए बोला है, अगर इसका भी चाहिए तो आप बताइएगा। और साथ ही साथ आप गए थे किसी स्टील स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में तो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? क्या पीईबी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, या फिर ग्रीलिश फाउंडेशन के बारे में पूछा गया था, या फिर आपसे पूछा गया था इरेक्शन ड्राइंग क्या होता है, या फिर जीए ड्राइंग क्या होता है, या फिर फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या होता है, या फिर असेंबली ड्राइंग क्या होता है, या फिर आपसे पूछा गया था सेक्शन किस तरीके से कट करते हैं, या फिर पूछा गया था सिंगल पार्ट ड्राइंग क्या होता है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? यही क्वेश्चन लगभग पूछे गए होंगे इंटरव्यू में। अगर आपको लगता है और भी कोई क्वेश्चन पूछे गए थे तो नीचे कमेंट करना, या इनमें से भी कोई पूछे गए थे तो भी कमेंट करना। और आप लोग चैनल को जैसे सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट करते जाओ, और जितना सपोर्ट करोगे उतने टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत से बच्चों का बहुत अच्छे अच्छे जगह पे सिलेक्शन हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर आपके वीडियोस पढ़ के हम इस इंटरव्यू में गए थे, इतना प्रॉफिट हुआ, इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया, किसी का इंडियन नेवी में हुआ है, किसी का बीपीसीएल में हुआ है, किसी का ONGC में हो रहा है, काफी जगहों पे सिलेक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा, आपने मुझे थैंक यू बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं चाहता हूं कि आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने रिव्यूज एक छोटे से वीडियो के थ्रू माध्यम से आप मोबाइल से आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, जिससे मैं आपके वीडियो को आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे भी दिखा सकूं, लोगों को भी पता चले कि हाँ इसको पढ़ने से मुझे ये प्रॉफिट, इसको पढ़ने से ये, क्योंकि अभी जो समय है समय इसी का है कि अगर प्रॉफिट है तो उसको पढ़ना है। और अफकोर्स जैसे अगर जिस तरीके से आपका माहौल है उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अभी इसी का माहौल है, ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, जो अध्ययन सॉलिड है उस कंपनी के लिए उतना ही अध्ययन काफी है आपके लिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।